रुक क्यों गए? वेल, समझ में नहीं आ रहा कि ये दूध तुम्हें दूं या नहीं। क्योंकि मुझे पक्का नहीं पता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है या नहीं। समझाओ फिर। जरूर छोटी किटी। नहीं दोस्तों, तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे गाय के दूध को पीने के फायदे और नुकसान के बारे में, और वो भी एक डिबेटेबल सवाल का जवाब देकर। तो क्या दूध हमारे लिए वाकई हेल्दी है? ज़ूमेन। जब से इंसानों ने भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, तब से दूध अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू और हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से हमारे रोज के खाने का एक अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन आज के समय में दूध और उससे बनी चीजें बहस का मुद्दा बन गए हैं, क्योंकि कुछ लोग उन्हें सेहत के लिए हानिकारक और साथ ही कई घातक बीमारियों की एक वजह मानते हैं। आप माने या ना माने, कई शिकायतों के पीछे कुछ मजबूत सबूत भी मौजूद हैं। हाँ, और दूध के खिलाफ सबसे बड़ी शिकायत इसके लैक्टेस नामक एंजाइम से रिश्ते को लेकर है, जो हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। देखो, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब दूध में पाई जाने वाली शुगर लैक्टेस को तोड़ने के लिए हमारा शरीर काफी लैक्टेस पैदा करता है, जो आसानी से पच जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो समय के साथ साथ लैक्टेस का पैदा होना कम हो जाता है, जिससे दूध को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, और इस कंडीशन को कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। इतना ही नहीं, बच्चों में होने वाले एलर्जिक रिएक्शन के लिए भी गाय का दूध एक बड़ी वजह है, और बच्चों की एलर्जीज के लिए 90% जिम्मेदार 8 तरह के खानों में से एक ये भी है। और इस सब के अलावा दूध पीने से एक और नुकसान होता है जिसका हम सामना करते हैं, और वो नुकसान है एक्नी का होना। बिल्कुल, रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि स्किम्ड दूध से एक्नी होने की दर में 24% तक बढ़ोतरी हो सकती है। तो जिन्हें एक्नी है उन्हें इसे लेना कम कर देना चाहिए। पर मैं आपको बता दूं कि दूध के खिलाफ आवाज उठाने वाले यही नहीं रुकते, उनके पास इसके खिलाफ और भी कई गंभीर इल्जाम हैं, जैसे कि इससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का होना, कमजोर हड्डियां और कैंसर तक होना। लेकिन क्या इन इल्जामों में कुछ सच भी है? देखिए, कुछ पुराने रिसर्चर्स को दूध और कुछ खास तरह के कैंसर्स के बीच एक हल्का सा संबंध तो दिखाई दिया, लेकिन हाल ही में हुए शोध ने इन दावों को हवा में उड़ा दिया है और उनके बीच कोई संबंध नजर नहीं आया। असल में दूध में मौजूद कैल्शियम शायद हमारी लड़ने में मदद कर सकता है कोलोन कैंसर के खिलाफ। इसी तरह दूसरे शोधों में भी दूध और जीवन के लिए अन्य खतरनाक बीमारियों के बीच कोई संबंध नहीं मिला। लेकिन हैरानी की बात है कि जब हड्डियों की बात होती है तो नतीजा थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि वयस्कों पर इसका असर ना तो अच्छा है और ना बुरा। और सवाल अभी वहीं का वहीं है कि क्या दूध हेल्दी है या नहीं। देखिए, इतने सारे संदेहों के बावजूद एक बात तो पक्की है, और वो ये कि हर तरह के दूध पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जैसे कि फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। तो ऐसी जगह जहां खाना कम मिलता है और जीवन का स्तर निम्न है, वहां दूध एनर्जी का एक अच्छा सोर्स हो सकता है, जो बच्चों की मृत्यु दर में कमी ला सकता है। और वो लोग जो विकसित जगहों में रह रहे हैं, और अगर किसी को उससे एलर्जी नहीं है या लैक्टोज इनटॉलरेंस नहीं है, तो दूध बढ़िया सोर्स हो सकता है कैल्शियम और विटामिन बी का। तो असल में दूध ने बाजी मार ली और ये सच भी बरकरार रखा कि दूध हेल्दी है। ट्रिविया टाइम। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की करीब 65% आबादी लैक्टोज इनटॉलरेंट है, जिसका मतलब है कि वो हर दिन
150 मिलीमीटर से ज्यादा दूध हजम नहीं कर सकते। उम्मीद है आज आपने कुछ हेल्दी सीखा। अगली बार फिर मिलते हैं। मैं डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट। कोई बात नहीं।